हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अब कुछ प्राइमरी हमारे शेप्स हैं जो हम लोग उनके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए इसके पहले हम लोग देखते हैं कुछ आपके एलिमेंट्री शेप में क्या हैं। जैसे मेजरिंग लाइन सेगमेंट, हम लोग लाइन सेगमेंट का मेजर करते हैं कैसे, किस तरीके से, बाय स्केल, बाय ये डिवाइडर, ट्रेसिंग पेपर, इन सब से, या जो है आप वायर लेकर के या रोप लेकर के, इस तरीके से बहुत सारे हमारे मेजरिंग रहते हैं। और उनमें आप इसमें हमें मैथमेटिकल के फॉर्म में देखना है कैसे हम ये लेंथ का मेजरिंग करेंगे। ये लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर ए लाइन सेगमेंट। दिस मेजर्स ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज ए यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। यानी जो लेंथ की, जो लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट करते हैं, जो नंबर्स मिलता है वो उसका क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है। अब जैसे ए बी ये आपकी लाइन सेगमेंट है, इसका अगर हम मेजर करें तो इसका जो न्यूमरल वैल्यू हमें फाइंड होगी वो इसका क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा। ठीक है बेटा, आइए अब देखें। टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट्स बी फाइंड ए रिलेशन बिटवीन दियर लेंथ, दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। बहुत तरीके से हम लोग इनको फाइंड कर सकते हैं, बट आप अगर फर्स्ट अगर हम देखें, जैसे कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, हम लोग देख करके छोटा और बड़ा हम बता सकते हैं। अब जैसे ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट है, इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ये हम लोग देख करके बता सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, बट ये ऑब्जर्वेशन जो अगर इसमें डिफरेंस ज़्यादा ना हो, बहुत माइन्यूट डिफरेंस हो, उस समय बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आपका कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग, अब इसको ट्रेस करके, जैसे ए बी और सी डी ये हम यूज पेपर यूज कर लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर यूज करके इनकी मेजरिंग करते हैं। ठीक है, तो ए बी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत टाइम टेकन भी है, टाइम इसमें बहुत लगते हैं, तो ए बी हमारा उतना कंफर्टेबल नहीं है। बट आप जैसे कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड ये डिवाइडर से हम करें, किसी जैसे हम किसी लाइन सेगमेंट को बाय स्केल मेजर करते हैं, उस स्केल से जब मेजर करते हैं तो उसको देखने के तरीके भी हमारे जो है अलग अलग होते हैं। अब अगर आप देखो, जैसे एक ये मेजरमेंट के लिए है, अगर इसको हम ठीक डायरेक्शन में हम नहीं देख रहे हैं, ठीक से नहीं देख रहे हैं उसके वर्टिकल परपेंडिकुलर, तो वो करेक्ट पोजीशन हमें, करेक्ट नंबर्स नहीं फाइंड होते हैं। थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट होकर के देखें तो ये आपका देखने का तरीका रॉन्ग होगा। जैसे सपोज दैट मान लो 2.2 मिलीमीटर है, 2.2 सेंटीमीटर है, तो 2.2 को कहीं 1 दिखाई देगा और कहीं वो 3 दिखाई देगा, जबकि एग्जैक्ट हमारी वैल्यू है 2.2 सेंटीमीटर। बट मेजरिंग की पोजीशन अगर हम देखें तो वो आपका गलत तरीका होता है। वो दो पोजीशन अगर हम सीधा परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो करेक्ट मिलेगा, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो गए तो वो रॉन्ग पोजीशन है देखने की। ये हमारे आई इफेक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर उसको हम डिवाइडर से मार्क कर लेते हैं, जैसे डिवाइडर लेकर के, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है जिसमें दोनों में पिन होते हैं। ठीक है, दोनों, अब एक एक साइड में दूसरा जितना सेंटीमीटर लेना होता है, जितनी मिलीमीटर, वहाँ पिन रख करके उसके बाद पेपर पर हम उनको रख करके और फिर उनको ज्वाइंट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारे लाइन सेगमेंट जो है एक्यूरेट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ लेंथ के लाइन सेगमेंट के मेजरिंग हैं जिनमें डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ये आपको आना चाहिए। अब इसी पर एक्सरसाइज है 5.1। व्हाट इज एडवांटेज
इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अब आप देखिए इसमें अगर हम एडवांटेज लेना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आंसर देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यू। अगर हम देखें जैसे अभी हमने पीछे दिखाया तो उसको हम प्रॉपर वे में नहीं देख सकते, हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं तो वो एरर आ जाते हैं। तो ये हमारा आपको एडवांटेज मिलते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हिल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब आप देखिए जैसे अभी हमने पहले बताया कि डिवाइडर से बेटर है, ठीक, डिवाइडर बेटर है रूलर से, ठीक है। इट इज बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर मे कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ, ठीक है। वो जो उसकी थिकनेस है उसके मेजरमेंट करने में वो प्रॉब्लम करते हैं। हाउएवर डिवाइडर गिव्स अप द एक्यूरेट मेजरमेंट, और वहीं पर आपका जो है डिवाइडर ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है बेटा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो कि अगर जैसे मान लो आप जो है 4.3 सेंटीमीटर्स की एक लाइन सेगमेंट स्केल से ड्रा की और 4.3 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ले करके आप जो है इससे मेजर करें, क्या नाम है, डिवाइडर से, तो आप दोनों में डिफरेंट पाओगे, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर्स द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए ए सी, इज ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी। अब आप देखो बेटा ये हमें चेक करना है, तो एक पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी एक ड्रा किया, ठीक है, और इसमें कहीं कोई आप जो है एक पॉइंट सी ले लिए, ठीक हो गया। अब इसको मेजर करोगे ए सी की डिस्टेंस कितनी है, सी बी की डिस्टेंस कितनी है और ए बी की डिस्टेंस कितनी है। अब यदि आप देखो जैसे ए सी का आप 3 सेंटीमीटर है, सी बी का 3.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को ए सी प्लस सी बी जब ऐड करेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि ए 6.5 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो 6.5 सेंटीमीटर आया और 6.5 सेंटीमीटर क्या है, ए बी की भी डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में, इन दोनों का सम इसके ए बी के क्या है, इक्वल है, ठीक हो गया बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, व्हिच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। अब आप देखिए जैसे ए बी ये जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ये जीरो ए बी सी डी 1 सेंटीमीटर्स के ये मार्क्स किए गए हैं। अब आप देखिए इसमें ये आपका जैसे क्वेश्चन नंबर फोर की बात है, ये फाइव में आ गया बेटा, हाँ ये कह रहा है इफ ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल 5, बी सी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट है जो अदर टू के बीच में लाई कर रहा है। तो एक बात ध्यान में रखना बेटा, जो आप देखो जिसमें ये दोनों में आपका कॉमन ए बी 5 और बी सी, यानी बी पॉइंट आपका कॉमन मिल रहा है और इन 5 और 3 को ऐड करने पर 8 हो जा रहा है, यानी आपका पॉइंट क्या मिल जाएगा, बी पॉइंट मिलेगा जो ए सी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज
मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब आपको डी, ये मिड पॉइंट ए जी यहाँ से और यहाँ तक के बीच का ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ से ए और डी की डिस्टेंस इक्वल डी जी की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ए डी की डिस्टेंस, अब देखिए ए डी 4-1 3 units और ऐसे इसका डी जी की डिस्टेंस 7-4 3 units। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ए डी इक्वल डी जी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। ये आप देखें, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल सी डी। अब आप देखिए इसमें बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए और सी ये आपने डिस्टेंस दिखा, ए बी और बी सी यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो ए बी इक्वल बी सी ये हो गया। ऐसे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अब बी और डी का, बी और डी का इनके बीच का ये मिड पॉइंट, यानी बी सी इक्वल सी डी। अब आप देखो ये बी सी इक्वल सी डी हो गया। अब यहाँ देखो ए बी इक्वल बी सी और बी सी इक्वल सी डी, तो ये अगर इन दोनों के इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें इसमें, तो ए बी इक्वल क्या हो जा रहा है, ये सी डी हो जा रहा है। ठीक है बेटा, ये हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस ऑफ द सम ऑफ ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अब आपको इसका आंसर, सबसे पहले आप क्या करना बेटा कि आप ट्रायंगल बनाना डिफरेंट लेंथ की। ठीक है, जैसे एक ये इक्विलेटरल बन गया, दूसरा ये आपका स्केलन हो गया, इस तरीके से ये ऑब्ट्यूज हो गया, एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, तो इस तरीके से आप डिफरेंट ये आपको बनाने हैं बेटा। ठीक है, ट्रायंगल अब आप देखोगे मेजर करोगे, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल हमने लिया कि ये 5.2 और 5.2 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जा रहा है 10.4। अब क्या 10.4 थर्ड लाइन जो ये 5.2 दिया है, क्या 10.4 5.2 से छोटा है, छोटा है, हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, ये लेस देन की बात ये कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, ठीक है, हमेशा क्या होता है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, यस, दि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये आप जो है इनमें जब आप ड्रा करके इसको देखोगे। अब चेक कर लिया इसको हमने इस तरीके से, जैसे अपनी हमने बताया इसको। अब इसमें और ये कह रहा है कि ये चेक इन ईच केस ऑफ दिस सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो ये आपका ये रॉन्ग है बेटा, ये गलत है। नो, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर बी लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम करोगे, वो तीसरी साइड से छोटा नहीं होगा, उससे वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है इनके, तो इस तरीके से ये आप जो है सॉल्व करना। आइए और एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल आप ये जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये समझने की बात है, राइट एंगल और ये स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब आपको रही बात ये थोड़ा ये आपका डायरेक्शन के रूप में आपको देखना है। इसमें आप जानते हैं कि डायरेक्शन हमारे 4 डायरेक्शन है, मेन जो डायरेक्शन है वो 4 है, और ये चारों डायरेक्शन एक पॉइंट से क्या होते हैं कि ये 90 डिग्री पर, जहाँ यानी ये 90 डिग्री पर हर एक डायरेक्शन मूव करता है। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है, ये आपका जो है नीचे क्या होगा, साउथ होगा, राइट साइड ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड आपका वेस्ट होगा।
ठीक है बेटा। तो ये आप देखिए, स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, आप जब नॉर्थ में खड़े हो, टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आप घड़ी देखते हो कि कैसे मूव करता है, ठीक है, राइट साइड में मूव करता है, ठीक है। तो ये आप देखते हो कि राइट साइड में ये मूव करता है, तो ये क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्टे में, ठीक है, घड़ी के चलने की दिशा के उल्टे को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। तो अब आप कह रहा है टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यहां से देखो यहां था और यहां से मूव करके कहां आया, ईस्ट में यहां आया। तो ये जो एंगल आपका हुआ, ये टर्निंग एंगल आपका एक राइट एंगल कहलाता है, क्या कहलाता है, एक राइट एंगल, ठीक है। अब यहां से मान लो ये फिर मूव किया इधर, ठीक है, इधर मूव किया, तो ये आपका एक राइट एंगल फिर मूव किया, तो ये कहां पहुंच जाएगा, साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। ऐसे स्ट्रेट एंगल की बात होती है, जैसे नॉर्थ में है और एक स्ट्रेट एंगल जब हम मूव करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएंगे, साउथ में, ठीक है, क्लॉकवाइज। ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज यहां से हम मूव करें तब हम कहां पहुंचेंगे, स्ट्रेट एंगल जब मूव करेंगे तब भी हम साउथ में पहुंचेंगे। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना है कि जब एक डायरेक्शन हम मूव करेंगे राइट एंगल में तो ये जो है 90 डिग्री यानी हम मूव करेंगे, और एक स्ट्रेट एंगल जब हम मूव करेंगे तो इसके मतलब हम 80 डिग्री मूव करेंगे, ठीक हो गया बेटा। अब आप देखिए, ऐसे आप एक क्लॉक में आप देखें कि जैसे आवर हैंड, मान लो ये है आवर हैंड, पूरा एक आपका जो है, या मिनट हैंड आपका है, पूरा एक कंप्लीट जब आपका राउंड लगाती है तो इसका जो ये इस पर एंगल बना वो कंप्लीट एंगल कहलाता है, और ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जब एक राउंड ये पूरा हो जाता है तो इसको वन रेवोल्यूशन, ठीक है, वन रेवोल्यूशन, ये आपका एक कंप्लीट एंगल वन रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक हो गया बेटा। अब आप देखिए, जैसे ये 12 से 6 तक मूव करके आया, तो इसका अगर हम पूछें कि ये कितने रेवोल्यूशन हुए, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एक रेवोल्यूशन हुआ, यानी 6 घंटे हमने मूव किया है ये, तो 6/12, ठीक है, यानी 1/2 रेवोल्यूशन, 12 टोटल आपके कितने हैं, 12 आवर हैं इसमें, ठीक है, 6 आवर मूव किया तो 6/12, ठीक है, तो ये 1/2 रेवोल्यूशन। या एंगल में अगर हम पूछें राइट, ये कितने राइट एंगल, तो आप देख रहे हो कि 2 राइट एंगल हो जाएंगे, ये 180 डिग्री मूव कर रहा है, यानी 2 राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल 1 स्ट्रेट एंगल, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से डिफरेंस हो करके ये आपको देखना है, ठीक है, और समझना है, इस पर आपके प्रॉब्लम से बेटा। आइए एक्सरसाइज 5.2, अब कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम, जैसे आप देखिए 3 to 9, अब 3 से 9 पर पहुंच रहा है, तो ये कितने कितने ये जो है रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, कितने रेवोल्यूशन होगा, अब 3 से 9 तक कितने आवर्स आपके हो गए, 6 आवर्स, ठीक है, 9-3 यानी 6 आवर्स, और 6 आवर मूव कर रहा है, और 12 टोटल हमारे 12 आवर हैं, यानी 6/12, उसको सिंप्लीफाई किए तो 1/2 आपका क्या हो गया, ये रेवोल्यूशन हो गया, या इसी को हम कह सकते हैं 2 राइट एंगल, ठीक हो गया, ये 2 राइट एंगल। ऐसे आप देखो 4 से 7 पर कितने जो है, कितने आवर्स आपके हो गए, आवर्स में अगर निकालो तो 3 आवर्स, 3/12 एनी 1/4 एनी 1 राइट, ठीक है, ऐसे किसी का भी लेकर के आप निकाल सकते हो, ठीक हो गया बेटा। तो मैं सोचता हूँ कि तुम लोग इसको कर सकते हो, ठीक है, और क्लॉकवाइज ध्यान में रखना कि राइट साइड हमेशा ये राइट से मूव कर रहा है, ठीक हो गया। अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द स्टैंड ऑफ ए क्लॉक
स्टॉप इफ इट। अब आप देखिए वो जब आपका क्लॉक का हैंड कहाँ पर स्टॉप होगा, जब वो जैसे 12 से स्टार्ट कर रहा है और 1/2 रेवोल्यूशन बना रहा है तो कितने आवर्स कितने वो क्लॉक पर वो जा करके आवर्स हैंड स्टॉप होगा। तो 1/2 आपका रेवोल्यूशन कितने, 1 रेवोल्यूशन इक्वल 12 आवर, 1/2 रेवोल्यूशन इक्वल 6 आवर। तो 6 आवर्स हम इसमें ऐड करेंगे तो 6 यानी 12 है, 12 यानी दैट इज 0 से फिर उसके बाद एक 1, 2, 3, 4 हम काउंट करते हैं तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर, 6 ओ क्लॉक पर वो स्टॉप करेगा। ठीक है, ऐसे आप देखिए स्टार्ट एट 2, अब 2 ओ क्लॉक से स्टार्ट कर रहा और कितने 1/2 रेवोल्यूशन, तो 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब कितने आवर्स हो गए, ये 6 आवर्स हो गए। ठीक है, अभी ऊपर भी बताया। ठीक है, तो 6 आवर्स इसमें आप ऐड कर दो, 2 आवर्स में कितने हो गए एट 8 ओ क्लॉक पर। ठीक है, 8 पर आपकी आवर हैंड स्टॉप होगी। ठीक हो गया ऐसे बेटा आपको इसमें करना एक, चलो डी और देखो, स्टार्ट एट 5, ठीक है, एंड मेक 3/4 ऑफ योर रेवोल्यूशन। ठीक है, और क्लॉकवाइज, तो ये आप देखो कितने आवर्स इसमें हो गए। अब यहाँ ध्यान दो, ये 1 रेवोल्यूशन इक्वल 12 आवर्स। ठीक है, तो 12 इंटू 3/4 इंटू 12 हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 आया, 3 3 जा 9, यानी 9 आवर्स आपको 5 ओ क्लॉक में ऐड करना है। तो 9 जब ऐड किए तो आपका कितना हो गया, तो 9 और प्लस 5 14 आवर्स हो, 14 पर, और आपकी जो हैंड है, ठीक है, वॉच है, वो आपका कितना होता है टोटल 12 आवर्स का, यानी एक आवर एक राउंड तो वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपके 12 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 14 से, तो आपके कितने बचे 2, यानी एट 2 ओ क्लॉक पर ये क्या होगा, स्टॉप होगा बेटा। ठीक हो गया, ये 2 ओ क्लॉक पर स्टॉप होगा है, ये इस तरीके से बेटा काम करना है। अब आप देखिए ये डायरेक्शन का है, फेस डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। ठीक है, अब आपका फेस देखिए, ये जैसे ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट से आपका फेस है, ठीक है, ईस्ट मतलब इधर है, यहाँ है फेस। ठीक है, 1/2 आप ये रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ आ रहा है तो एक रेवोल्यूशन में कितने डायरेक्शन, आप 4 डायरेक्शन होंगे। ठीक है, 4 डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो अब ये 1/2 रेवोल्यूशन यानी 2 डायरेक्शन, तो दैट इज जहां पर हमारा फेस है उसको हम 0 काउंट करते हैं। ठीक है, वो 0, फिर ये 1 और ये 2, तो इस तरीके से हमारा फेस कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में। ठीक हो गया, ऐसे आपका देखो ईस्ट में खड़े हैं 1 एंड 1/2 रेवोल्यूशन, यानी एक आवर तो आपका एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया, फिर हाफ में ये आएंगे तो फिर उसी तरीके से ये आप कहाँ पहुंच जाओगे, वेस्ट में। ठीक है, ऐसे आप देखो वेस्ट, अब वेस्ट में खड़े हैं, ठीक है, और 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से 3/4, तो 4 4 कैंसिल, यानी 3 डायरेक्शन हो गया। ठीक है, 3 डायरेक्शन, तो दैट इज जहाँ पर हम स्टॉप हैं ये आपका क्या हो गया ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट में थे, ये 0 हो गया। ठीक है, अब आपको देखो ये आपका क्या हो गया, ये 1 2 और ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 3 ये आपका यहाँ हमने पहुँच गया, और 4th ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये 3/4 रेवोल्यूशन में हम कहाँ पहुँच गए, साउथ में। ठीक है, सी का ये साउथ, ये गलत है बेटा, ये नॉर्थ नहीं होगा, साउथ होगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए साउथ, ठीक है, एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, साउथ में है, ठीक है, और मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, तो कहीं से भी पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन लेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, साउथ पर ही पहुँचेंगे। ठीक है,
ये आपका इसमें ये रहा। अब देखिए, शुड बी स्पेशली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। अगर इसमें हम चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें तो हमेशा हम पोजिशन जहाँ पर हम खड़े थे वहीं पर पहुँचेंगे। ठीक है बेटा, समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर यहाँ जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, सी में आप देखो एंटी क्लॉकवाइज होता तब ये आपका नॉर्थ होता, ये 0, 1, 2, 3 तब ये नॉर्थ होता, तब आपके आंसर के अनुसार से ये सही होता। ठीक है, तो इसमें ये आपका ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। अब आपका ये पार्ट पूछ रहा है। अब आप देखो, जैसे 4 डायरेक्शन का मतलब एक रेवोल्यूशन आपका हो गया। अब यहां से आपको पहले ये आप ध्यान में रखिए, जैसे ईस्ट में हम खड़े हैं, ठीक है, और टर्न क्लॉकवाइज हो रहा, और हमने कहां पहुंच गए, नॉर्थ में। ठीक है, तो कितने डायरेक्शन आप मूव कर गए, 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन यानी, और टोटल आपके 4 डायरेक्शन का एक रेवोल्यूशन, तो 3/4 ये आपका हो गया। ठीक हो गया। ऐसे आपका बी है साउथ, साउथ में अब खड़े हैं, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, अब ईस्ट में आना है। तो यहाँ भी आप देखो क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो साउथ में है, फिर आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, फिर कहाँ पहुँच गए, ईस्ट में। तो कितने डायरेक्शन मूव किए आपने, 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन यानी 3/4 हो गया। तो इस तरीके से बेटा आप ये सी वाला खुद खुद सोच करके करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज। अब देखिए 12 आवर है, ठीक है, आवर हैंड में है, ठीक है, आवर हैंड मूव कर रहा है, तो 12 आवर है। ठीक है, और हम जैसे 12 आवर में 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री, तो 3 आवर्स में कितना डिग्री हो रहा, 1 राइट एंगल, यानी हम जानते हैं कि 1 राइट एंगल इक्वल ये 3 आवर्स का है। ठीक है, समझ में? जैसे ऐसे है तो ये 3 आवर्स, यहाँ 1, 2, 3 ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से 3 आवर्स, अब यहाँ टाइम आप निकाल लीजिए, जैसे 3, 2, 6 तो कितने आवर्स हुए, 6 हुए। ठीक है, ये 6 हुए, अब देखिए कितने एंगल्स, यानी 3 आवर्स हुआ, तो 3 आवर्स में हम जानते हैं कितने राइट एंगल बनते हैं, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल हो गए। ऐसे आपका 2 से 8 कितने हो गए, 6 घंटे हो गए, यानी 8 से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6 हो गया, और 3 आवर्स का एक जो है आपका 1 राइट एंगल, तो 6 हो गया, तो कितने हो गए, ये 2 राइट एंगल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आप यहाँ से कर सकते। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि ये जो है तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब देखिए राइट एंगल यहाँ भी पूछ रहा, और ये आपका जैसे साउथ में है टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ठीक है, अब साउथ में है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये साउथ में है और क्लॉकवाइज, ये 1 नहीं बेटा, ये जो है ये 3 राइट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि 3 डायरेक्शन हो जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, ये 1 नहीं, यहाँ 3 होना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है बेटा, ये 3 है बेटा, ये ध्यान में रखना, ये 3 1। अब ऐसे बी आप देखो नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, अब नॉर्थ में है और एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर है आपका, लेफ्ट आओगे, ठीक है, नॉर्थ से तो ये आपका क्या होगा, आपका आएगा वेस्ट और उसके बाद साउथ, फिर ईस्ट में, यानी कितने डायरेक्शन आप मोड़ रहे हो, ईस्ट के में 3 डायरेक्शन, यानी 3 राइट एंगल, यानी 2 डायरेक्शन के बीच में 1 राइट एंगल बनेगा, तो 3 डायरेक्शन का मतलब ये जो है आपका 3 राइट एंगल्स हो गया। ठीक है, अब ये देखिए बेस्ट
एंड टर्न टू वेस्ट, पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया, यानी आपका कितने हो गए, 4 राइट एंगल हो गए, ठीक है। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ है, साउथ में है और टर्न टू नॉर्थ। अब ये चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, तो कितने राइट एंगल, यानी आपके 2 राइट एंगल हो जाएंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। ये देखिए आपका आवर हैंड कहाँ स्टॉप होगा। अब आप देखिए 6 से स्टार्ट कर रहा है और एक राइट एंगल मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो ये कितने कितने ओ क्लॉक पर जा करके स्टॉप होगा, तो एट 9, यानी 3 आवर्स इक्वल 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल इक्वल 3 आवर्स, तो 6 प्लस 3 यानी 9, ठीक हो गया। 8 से स्टार्ट कर रहा है 2 राइट एंगल, यानी 6 आवर हो गया, तो ये आपका 8 और प्लस 6 14, और 14 से 12 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी 2 आवर्स, 2 ओ क्लॉक पर ये स्टॉप होगा। तो इस तरीके से बेटा और ये सारे आप करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।